नारद जी भगवान भोलेनाथ से कहते हैं कि माता शक्ति के 51 देह के टुकड़े को आप तीर्थ स्थान में बदल दे ताकि यह संसार उनको नमन कर सके। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जब शक्ति ही नहीं है तो ये सब करके क्या फायदा, और वहाँ से जाते हैं। लेकिन सभी देव श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी सभी उनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकते हैं। यहाँ तक कि नंदी और उनके गण भी भगवान भोलेनाथ को रोकते हैं, फिर भी वो जाते हैं। फिर श्री हरि विष्णु के समझाने पर और सभी देव और उनके गणों का कहने पर माता सती की बातें याद करके वो रुक जाते हैं। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि वो सती के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे और वो उनके 51 शक्ति पीठों को तीर्थ स्थल में बदल देंगे। और यहाँ असुर इन सब की वजह से खुश होते हैं और वो कहते हैं कि आप महादेव को देवताओं के सुख और दुख के कुछ फर्क नहीं पड़ता। महादेव कहते हैं कि उन्होंने सती को वचन दिया था कि वो सती को 51 जगह पर घुमाएंगे, और फिर कहते हैं कि ये 51 शक्ति पीठों पर मैं घूमता रहूंगा, यही मेरी अवधि है। और जाने से पहले वो अपने शक्ति का कुछ भाग देवताओं को दे देते हैं, और उसके बाद महादेव 51 शक्ति पीठों को ढूंढने चले जाते हैं। यहाँ शुक्राचार्य बोलते हैं कि महादेव को रोकना होगा शक्ति पीठों की स्थापना करने से। अगर शक्ति पीठों की स्थापना हो गई तो धरती पर देवों का रस हो जाएगा, और वो भोलेनाथ की शक्ति पीठों को स्थापित करने से शिव जी को जरूर रोकेंगे। उसके बाद भगवान भोलेनाथ को माता सती पर एक अंश मिल जाता है जो उज्जैन में होता है, और भगवान भोलेनाथ उसके पास जाते हैं कि तब एक शुक्राचार्य के पिता उनको रोक लेते हैं और उनको पिन स्थापित करने से मना करते हैं। तो कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है, आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा। जो असुर है वो रोकना चाहेंगे शिव जी को, क्या शिव जी रोकने देंगे असुरों को शक्ति पीठों को स्थापना से, वो तो हमें अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा। क्या आप देखते हैं शिव शक्ति कलर्स टीवी पर सोमवार से रविवार रात के 8 बजे? कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी देगा। ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात, जहाँ पर हम देते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले।